रथ यात्रा हो रही है ना गांव से दंगड़ी तक, तो अभी उधर जाना है मेरे को। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट में जो वो डॉग जो है वो बदनाम है हकीकत। भाई अब बात सुनो, बाज इधर की। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। और आप देख सकते हो ऊपर बारिश वाला मौसम हो गया दोबारा से। कल शाम को धूप आ गई थी लेकिन अब फिर से बारिश वाला मौसम हो गया और इस वीक जो वो बारिश ही बारिश बिताई है। रात को मेरे को एडिटिंग करते जो वो 102 बज गए थे। फिर रात को पूरी एडिटिंग नहीं हुई थी, मैं सॉन्ग वगैरह ऐड नहीं करे थे एडिट में। उसके बाद फिर सुबह 7 बजे फिर से उठा, फिर मैंने एडिटिंग की, अब वीडियो अपलोड करी, फिर मैं 1 घंटा सो गया। लेकिन अब उठ रहा हूँ मैं 9 बजे। सो अभी मैंने खाना खाना, अभी नहाना है, फिर खाना खाना है, फिर जाना है मैंने शॉप। नहा धो के मैं रेडी सो गया और अभी तड़का लग रहा है दाल को। मेरे हिसाब से मैंने बहुत ज़्यादा जल्दी कर दी, अलग से तड़का लग रहा भाई के लिए। दाल है ये चने की दाल की है डाल के। दाल इधर हमने डाल दी, अब इसको लगेगा उबाला थोड़ा सा, थोड़ा सा इसको करने देंगे, उसके बाद खाते हैं खाना। गाइस अब मैं पहुंच चुका हूं शॉप के ऊपर भाई को खाना लेके, क्योंकि और बस में मैंने ऐसा इसलिए वीडियो नहीं बनाई, बस में बहुत ज़्यादा बात आती है बस की। सो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं फिर शॉप पे जाके वीडियो बनाऊंगा, और घर में बोर हो रहा था और भाई ने जाना घर, तो मैं सोचा मैंने मतलब मम्मा आप रहने दो आज मैं चले जाता हूँ शॉप के ऊपर, फ्री तो था घर में, चलो आगे फिर मैं शॉप के ऊपर। भाई दुकान के ऊपर जाने में टाइम नहीं लगा क्योंकि काम था और भाई भी चला गया था, फिर मैंने भी कहीं जाना था, अत्यार से टाइम से देर हो गया। सीधा मैं आके किचन में आया और किचन में बन रहा है आज बनी भुर्जी पनीर की, साथ में बन रहे हैं मम्मी क्या बना था कुत्ते राजमा। तो राजमा हमारे जो वो उबल चुके हैं और इसका बन रहा है अभी इधर तड़का। ऐसे मिलाता हूँ ताई भी मतलब बड़े टाइम टाइम बाद घर पे आते हैं, और हमारे बड़े बड़े सिस्टर आ रही है तब करके ताई घर पे आए। ताई फिर आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। गर्मी और गर्मी तो बहुत है, बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा। ये ताई आपके माथे के ऊपर क्या हो रखा है? ये मैंने मेहंदी लगाई थी ब्लैक, उसकी वजह से रिएक्शन हो गया मेरे। नहीं यारो नहीं। ताई की उम्र कितनी हो गई है वैसे? 53 साल। नहीं तभी तभी भाई बच्चे भी आ रहे हैं, दीदी भी आ रही है, तो ताई को मोटी एक्साइटमेंट है, मतलब कि कल तो मुर्गा शुर्गा बनेगा फिर। कल तो मेरे हिसाब से जन्मदिन भी है पीयूष का ना, बनना मुर्गा फिर। पता नहीं वो आएंगे तब ही। जो मैंने ज्यादा शूट नहीं करा क्योंकि मेरा आज एग्जाम था, और अभी जो मैं कॉलेज में ही हूँ, एग्जाम तो मेरा खत्म हो गया, कोई मैं 2 बजे पहुंचा था और 4 बजे तक मेरा एग्जाम था, अभी जस्ट खत्म हुआ और अभी भाई का कॉल आ गया। हम भाई का मतलब सन्नी भाई का कॉल आया, फ्रेंड का, उसको भाई बोलते हैं हम। रथ यात्रा हो रही है नदों से दंगड़ी तक, तो अभी उधर जाना है मेरे को, चलो चलते हैं फिर रथ यात्रा का एंजॉय करते हैं। एग्जाम तो बढ़िया हुआ यार आज, क्योंकि मैं पढ़ने बैठता पिछले कल, सो चलो चलते हैं। ये खड़ा अपना ब्लैकबर्ड। गाइस यारा आपसे झूठ क्यों बोल रहा, आज भी आपका भाई लेट हो गया था एग्जाम के लिए। मैं निकला था कोई 1:24 के ऊपर, लेकिन मैं इतने इससे चला था, मैं क्या बोलूँ यार, घर वाले तो गाली निकालेंगे। स्पीड से बोलूँगा मैं कि मैं स्पीड से चला, लेकिन लगा सकते थे साहब मैं 1:55 के ऊपर इधर पहुँच गया था। और तो और आज भी मैं पेन भूल गया था, आज फिर से मैंने नए पेन लिए। कम से कम मेरे घर में 6 या 8 पेन हो गए होंगे, हर टाइम मैं 2-2 पेन ले रहा हूँ, ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक। और अभी भाई का कॉल आया था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी जाएंगे हम जो वो चलिए रथ यात्रा, और इतना मज़ा आता है ना यात्रा में, मैं क्या ही बोलूँ, सारे नाच रहे होते हैं और बहुत ही मज़ा आता है। जैसे कि आप पूरी वाली यात्रा देख रहे हो ना जगन्नाथ जी की, वैसी होती है यहाँ भी यात्रा, और क्या ही बोले। चलो अब सीधा आपको लेके चलते हैं जो मंदिर है ना, जहाँ रथ एंड तक आएगा, वो मंदिर इस रास्ते में पड़ता है, उसका नाम है दंगड़ी। तो वो वाला मैं आपको दिखाता हूँ मंदिर, जो मठ है, अभी तो मे बी बाजार में होगी यात्रा चली हुई, फिर चलते हैं फिर।
मेरी YouTube फैमिली मेरे को ना एक जरूर से कमेंट करना कि मेरी आवाज़ आती नहीं आती है मोटो ब्लॉगिंग के बीच में, जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ, मतलब अभी मैं ठीक ढंग जोर से बोलता हूँ फिर भी आवाज़ आती नहीं आती है। आप मेरे को ज़रूर से मैसेज करना, कमेंट करना, जिससे जो मैं अपना माइक चेंज कर सकूँ और आपको और ज़्यादा मैं जो वो साफ साउंड दे सकूँ। ओके, तो प्लीज़ से मैंशन जरूर करना, मेरे को कमेंट जरूर करना, जिससे जो मेरे को पता लग सके कि जो मेरा मोटो ब्लॉगिंग सेटअप है थोड़ा इम्प्रूव है या बिल्कुल ही मतलब जो है वो इम्प्रूव नहीं है। फिर मेरे को सी टाइप जो है वो या का माइक मंगवाने पड़ेगा, मेरे पास दूसरा तो पड़ा है वो काम पे नहीं आया, लेकिन वो मंगवाने पड़ेगा। लेकिन मेरे को बता देना फिर भी आप कि अच्छी आवाज़ साउंड क्वालिटी आती है या नहीं आती है। और भाई मेरे जो इस ब्लैक बोर्ड की आवाज़ है ना, उतनी इतनी ओसम लग रही है ना, जैसे ड्यूक ड्यूक की नहीं होती वैसे आ रही है इसकी आवाज़। देखो अभी आप मैं लो गेम में चलाता हूँ, अभी देखना भी हाँ ये देखो, अगर आपको सुनाई दे रही होगी तो इतनी गेम लग रही है। और ये रहा सामने वो वाला मंदिर जो मैं आपको बता रहा था, ये है मठ दंगड़ी में, इधर आएगी जो अब वो रथ यात्रा, ये सामने जो है वो ये है मठ, नदौन से आ रही है अभी इधर को रथ यात्रा, इतनी दूर से ये पैदल आएंगे इधर तक। और हमारे ज़माने में तो ये होता था, एक्सीडेंट हो जाता था तो बहुत ही कुत्ता आ गया सामने। सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट में जो वो डॉग जो है वो बदनाम है, हकीकत ही बोलूँ। किसी का भी एक्सीडेंट होता तो बोलते कुत्ता आ गया सामने, कुत्ता आ गया सामने, ये नहीं बोलते कि कुत्ते के सामने हम आ गए, हमने चढ़ा दी कुत्ते के ऊपर, मैं नहीं बताऊंगा। बस ये कुत्ता बदनाम है भाई एक्सीडेंट के मामले में सबसे ज़्यादा। और आज जो वो जगह जगह के ऊपर लगाया जा रहा है प्रसाद वगैरह, क्योंकि अभी रथ आ रहा है इधर से, अभी आगे मेरे को रथ मिलेगा बताता हूँ आपको, मैं भी आ रहा होगा रास्ते में, लोग तो बहुत आ चले हैं शायद से आ गया है, अभी तो लोग इतने ज़्यादा चले हैं। हाँ गाइस रथ आ गया है, सारे लोग जो मैं आपको पीछे जो है वो मठ दिखाया उधर तक पैदल जाएंगे। अब योगा इधर रथ चला हुआ, और अपने संगी भाई भी इधर ही होंगे कहीं, और ये है अपने संगी भाई। संगी भाई साबित।
बात सुनो बाज इधर की। प्रेम बड़ा है भक्ति से मैं कर दूंगा ये साबित।